हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोबर्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबर्स प्रेजेंट एज। सोबर्स एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज मतलब दोनों का प्रेजेंट एज अभी कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सोबर्स मदर पहले तो दो मतलब ये सोबो एक है और उसका मदर, सोबर्स मदर। तो फर्स्ट हमको हम किसको एक्स लेंगे, क्योंकि हम किसी का एज तो हमको नहीं पता। और क्वेश्चन पे लिखा है सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज, ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज मतलब अभी जितना एज होगा ना उससे 6 गुना ज्यादा होगा। तो अगर हम सोबो की एज को क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को एक्स लेंगे तो उसका 6x हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, सोबर्स एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी जो एक्स है ना, तो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब उसे 5 साल के बाद कितना होगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना आफ्टर 5 इयर्स। और उसी टाइम फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज मतलब मदर एज जो अभी का है ना वो बोला है 1/3 होना चाहिए। तो हम 1/3 कर देंगे मल्टीप्लाई, ओके। अभी हम इस उन दोनों को इक्वेट करेंगे, वो कैसे, आफ्टर 5 इयर्स वो बोले हैं तो आफ्टर 5 इयर्स हम लिखेंगे लेट सोबो, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ड्रॉ करके मतलब एक्सप्लेन करके, सोबोस एज बी प्रेजेंट आप लिख सकते हो क्योंकि प्रेजेंट है और उसके बाद भी एज बोला है, सो बस प्रेजेंट एज बी एक्स, सो बस मदर्स प्रेजेंट एज बी 6x, करेक्ट। नेक्स्ट आफ्टर 5 इयर्स सोबोस एज will be x plus 5 and sobers, ये जो मैंने आपको explain किया ना वही उसको हम लिख रहे हैं क्योंकि लिखना भी जरूरी है आपको exam के लिए। sobers mother's age will be, ये present age से हम count करेंगे after 5 years, करेक्ट। तो 6x तो था उनका प्रेजेंट है और उसको हम 1/3 कर लेंगे, करेक्ट। अभी क्या करना है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x इंटू 1/3, 3 में ये कट हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड ये माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 5 जो कि एक्स इजिकल टू 5 है और वो सोबो का प्रेजेंट एज है। अगर सोबो का प्रेजेंट एज 5 हुआ तो उसका मदर एज कितना होगा, 6 इंटू 5 जो कि 30 है, ओके। एक्स इजिकल टू हमारा 5 निकला और वो सोबोस सोबोस प्रेजेंट एज क्योंकि हम प्रेजेंट एज को एक्स लिए थे। नेक्स्ट क्या करना है, सोबोस मदर्स एज कितना होगा, मदर्स एज मदर्स प्रेजेंट एज सॉरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, 6 इंटू 5 30 है कि नहीं, जो कि हमारा आंसर है, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली विलेज. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेथ कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर रेशियो फॉर्म में उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स करके, और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है ना उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, हमको इजी होगा सॉल्व करने में. देखो, और वो दिया गया है जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ हमारा लेंथ फर्स्ट दिया गया है, तो ये लेंथ है जो कि 11, और इसको एक्स ले लेंगे, और ये ब्रेथ जो कि 4x ले लेंगे. तो लिख भी देंगे वो सेम टू सेम, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हो. प्लॉट इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x. तो इसी में से हमको क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ दिया गया है तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो पेरीमीटर हमको क्यों फाइंड करना है, देखो यहाँ पर ना जो फेंस दिया गया है मतलब ये टोटल चारों तरफ उसको बाड़ लगाना है, ठीक है, मतलब उसका बाउंड्रीज बनाना है, तो पेरीमीटर होता है वो, ठीक है. तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट प्लॉट इज इक्वल टू, पहले हमको क्या करना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पुट करना है, 2 × L + B लेंथ प्लस बी. तो 2 × लेंथ कितना 11x प्लस ब्रेथ 4x, तो 2 × 15x जो कि 30x उसका पेरीमीटर आ गया, करेक्ट. नेक्स्ट हमको बोला गया है एट द रेट पर मीटर कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 100 rupees, ओके. नेक्स्ट वो टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट पर मीटर 100 rupees, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 75,000 खर्चा हुआ है, मतलब ये जो टोटल 30x जो मीटर उसका जो पेरीमीटर है ना, x का वैल्यू पता चल जाएगा तो आपका एरिया मतलब टोटल पेरीमीटर पता चल जाएगा. तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर है, उसको फेंस देने के लिए 75,000 खर्चा हुआ है, ओके. तो हम उसको क्या करेंगे, देखो कॉस्ट पर मीटर, एक मीटर के लिए 100 rupees खर्चा हुआ है, एक मीटर के लिए 1 meter के लिए 100 rupees. तो ये जो 30x है वो पेरीमीटर, ये मीटर होता है ना, ये तो 30x, x के बाद ये मीटर है, मैं यहाँ पर मीटर लिख देती हूँ, 30x मीटर. तो 30x के जगह हम सॉरी हाँ 30x के साथ 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना मीटर के लिए हमको कितना खर्चा आया, 75,000 ही खर्चा आया ना, उसको हम इक्वेट करके x को निकाल सकते हैं. पर मीटर 100 rupees, ठीक है. तो 30x मीटर के लिए 30x × 100 है कि नहीं, तो ये जो 30x × 100 तो खर्चा कितना आया, x का वैल्यू तो नहीं पता ना, तो खर्चा 75,000 खर्चा आया है. तो हम इसी में से x निकाल देंगे, x इज इक्वल टू सॉरी 30x पहले लिखेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके था, नेक्स्ट स्टेप पे हम कट नहीं करेंगे, बाद में डायरेक्टली कट कर लेंगे,
अदरवाइज आप इसे भी कट कर सकते हो। देखो कट कर लेते हैं, 30x लिखना है और इसको दो जीरो कट कर लेंगे। तो 30x = 750 x = 750 / 30, तो जीरो जीरो कट हो जाएगा। थ्री में इसको कट करेंगे, 3 2 6 3 5 तो x हमारा 25 आएगा। अगर x 25 आया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।